हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंड द ट्रेंड स्टाइलिंग स्टूडियो एमोफ्रोज। आज की वीडियो में हम एंकल लेंथ गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। इसके लिए मैंने ये 4 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले मैं बॉडीज़ की कटिंग करूँगी। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। बॉडीज की लेंथ मैं ले रही हूँ 16 इंचेस। शोल्डर में लूंगी 7 इंचेस। आर्म होल में लूंगी 8 इंचेस। चेस्ट पार्ट में लूंगी 9 इंचेस। मैं आर्म होल ड्रॉ करूंगी। वेस्ट में लूंगी 8 इंचेस। 1 इंच फॉर सीम अलाउंस। नेक विड्थ में लूंगी 3 इंचेस। बैक नेक डीप में लूंगी 2 इंचेस। इसमें मैं राउंड शेप ड्रॉ करूंगी। फ्रंट नेक की डीपनेस में लूंगी 5.5 इंचेस। इसमें भी मैं राउंड शेप ड्रॉ करूंगी। हाफ इंच शोल्डर डाउन करूंगी। इसे मैं कट कर लूंगी। इसमें से मैं बैक पार्ट को निकाल दूंगी। देन मैं फ्रंट नेक की कटिंग करूंगी। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करूंगी। फ्रंट पार्ट को मैं सेंटर से कट करके अलग कर दूंगी। बैक पार्ट पे मैं ऊपर से 3 इंच पे मार्क करूंगी। इसमें मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी। सेंटर में देख लूंगी। इसमें मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी। सर्कल आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इसे मैं कट कर लूंगी। सेंटर से फोल्ड करके इस पार्ट को मैं अलग कर दूंगी। मैं फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग के लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप कट किया है। मेरा राइट पार्ट है। इस पे मैं स्टिच करके रॉन्ग साइड पे टर्न करूंगी। ये मेरा लेफ्ट पार्ट है। इसमें मैं लूप्स लगाऊंगी। स्ट्रिप के बीच में रख के लूप्स को स्टिच करूंगी मैं।
के लिए मैंने मार्किंग कर दिया है। 2 इंचेस की गैप छोड़ के मैं लूप्स लगाऊंगी इसमें। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अभी मैं स्ट्रिप को रॉन्ग साइड पे टर्न करूंगी और इसे डबल फोल्ड करके मैं स्टिच कर दूंगी। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अभी मैं दोनों पार्ट को जॉइंट करूंगी। इसके लिए मैंने ये स्ट्रिप कट किया है, इसे मैं दोनों साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। फिर मैं इस पे दोनों पार्ट को प्लेस करके स्टिच करूंगी। हाफ इंच में ओपन रखूंगी, बाकी के पार्ट को मैं क्लोज कर दूंगी। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर दिया है। नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने नेक की शेप की 2 स्ट्रिप कट किया है। इसे मैं राइट साइड पे प्लेस करके स्टिच करूंगी, फिर मैं रॉन्ग साइड पे टर्न कर दूंगी। ये देखिए मैंने फ्रंट नेक की फिनिशिंग दे दिया है। अभी मैं बैक नेक बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये स्क्वायर पीस कट किया है, इसे मैं बैक पार्ट के राइट साइड पे प्लेस करूंगी। पूरे नेक लाइन में सेम लगाऊंगी मैं। पहले मैं पिन अप कर लूंगी। पूरे में मैं अच्छे से पिन अप कर लूंगी सो दैट ये हिले नहीं। ये देखिए मैंने पिन अप कर लिया है अच्छे से। अभी मैं पूरे नेक लाइन में सीम लगाऊंगी। ये देखिए मैंने सीम लगा दिया है पूरे नेक लाइन में। अभी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूंगी। अभी मैं इसमें नॉचेस दे दूंगी। मैं इसे सीधा कर लूंगी।
बैक में भी मैंने 2 लूप्स लगाया है बटन्स के लिए। इसमें मैं टॉप सीम लगाऊंगी। ये देखिए मैंने टॉप सीम लगा दिया है एंड मैंने इसमें बटन्स लगा दिया है। फिर मैं शोल्डर जॉइंट करूंगी। फिर मैं फ्लेयर की कटिंग करूंगी। फ्लेयर में सर्कुलर कट करूंगी। फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। बॉडीज को मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगी। मैं इस पे मार्किंग कर लूंगी। गाउन की लेंथ मैं ले रही हूँ 47 इंचेस। ऊपर से मैं 47 इंचेस पे मार्क कर लूंगी। देन मैं ये मार्किंग से मार्क करूंगी। फ्लेयर में ले रही हूँ 32 इंचेस। मैं पूरे में 32 इंचेस पे मार्क कर दूंगी। मैं इसे कट कर लूंगी। ये पार्ट को भी मैं कट करके अलग कर दूंगी। फ्लेयर की कटिंग हो गई है। अभी मैं इसे बॉडीज के साथ अटैच करूंगी। सेंटर से दोनों पार्ट में बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स की कटिंग करूंगी। स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ 17 इंचेस। राउंड स्लीव्स में लूंगी 5 इंचेस, 1 इंच फॉर सीम अलाउंस। इसकी मार्किंग कर लूंगी। इसे मैं कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स कट कर दिया है। ये देखिए मैंने फ्लेयर को बॉडीज के साथ अटैच कर दिया है। स्लीव्स जॉइंट कर दिया है मैंने। अभी मैं ये सर्कल को मेजर करूंगी। इसमें मैं फ्रिल लगाऊंगी। मेजरमेंट से ट्रिपल लेंथ की फैब्रिक लूंगी।
से मैं 3 इंचेस पे मार्क कर दूंगी। फिर मैं इसे कट कर दूंगी। इसमें सेंटर से फोल्ड करके जॉइंट कर दूंगी। पूरे में स्टिच लगाऊंगी मैं। ये देखिए मैंने जॉइंट कर दिया है। अभी मैं इसे सीधा कर लूंगी। ये देखिए मैंने सीधा कर दिया है। अभी मैं जॉइंट को सेंटर में करूंगी। मैं इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर दूंगी। ये देखिए मैंने प्रेस करके सेट कर दिया है। जॉइंट को मैंने सेंटर में कर दिया है। अभी मैं ये फैब्रिक को अंदर की तरफ प्लेस करूंगी। इस पर स्टिच लगा दूंगी। देन मैं इस पर प्लेट्स बनाऊंगी पूरे में। ये देखिए मैंने फ्रिल बना दिया है। अभी मैं इसे ये सर्कल के ऊपर अटैच करूंगी। हाफ इंच में बाहर की तरफ छोड़ के स्टिच करूंगी इसमें। राउंड में मैं इसे अटैच कर लूंगी फ्रिल को। ये देखिए मैंने फ्रिल इस पे अटैच कर लिया है। ये नेक को आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं। अभी मैं इसमें फिटिंग की स्टिच दूंगी। बॉटम में डबल फोल्ड करके फिनिशिंग की स्टिच दूंगी। ये देखिए मैंने फिटिंग की स्टिच दे दिया है। इसमें मैंने बटन्स लगाया है। आप अपने पसंद की कोई भी बटन लगा सकते हैं इसमें। अब मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये गाउन आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।